गाइस अगर आप काफी ओल्ड टाइम से फ्री फायर खेल रहे हो तो आपने इस गेम में बहुत टाइप के ग्लिच और बग्स देखे होंगे। ग्लिच और बग एक नॉर्मल पार्ट है गेम का, यह हर गेम में होता है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे फ्री फायर के एक ऑफिशियल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में एक ऐसा ग्लिच हो गया था जिससे उस टूर्नामेंट के मैचेस में पूरी बॉट लॉबी आ गई थी। जी हाँ गाइस, बॉट लॉबी ये दो कंडीशन में होता है। अगर आप पीसी प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो बॉट प्लेयर्स आते हैं, या अगर आप अपने से लो लेवल के प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो बॉट प्लेयर्स आते हैं। बट गाइस एक ऑफिशियल फ्री फायर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में बॉट लॉबी का आना, ये भाई मतलब यकीन नहीं होता है। बट गाइस ऐसा हुआ है, आज से 3 साल पहले फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज 2021 के सिंगापुर क्वालिफायर्स में ऐसी चीज, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन आ गया था कि पूरी यहाँ पे बॉट लॉबी आ गई थी टूर्नामेंट में। क्या हुआ था हर एक चीज मैं आपको अच्छे से स्क्रीन पे चलिए एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस यही है वो टूर्नामेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज सिंगापुर क्वालिफायर 2021। एंड गाइस इस टूर्नामेंट में लिटरली बहुत ही भयंकर वाला ग्लिच हो गया था। आप लोगों को चल मैं आपको सीधे आपको फर्स्ट मैच में ले चलता हूँ। फर्स्ट मैच जो है वो बरमूडा मैप पे खेला गया था। एंड टोटल कौन कौन सी टीम्स थी आप लोग देखो, ये ऐसे प्लेयर मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये ऐसे प्लेयर्स हमारे ऑफिशियल टूर्नामेंट खेल रहे हैं, वो भी पीसी क्लाइंट के कस्टम में। ये देखो मैं आपको बॉट बोल रहा था, बट देखो होता क्या है इस टूर्नामेंट में, मतलब ये जो मैचेस चल रहे थे इसमें सिर्फ एक टीम बेस्ट आती है जिसका नाम यहाँ पे NWG करके होता है। और आप लोगों को मैं लिटरली दिखा दे रहा हूँ, ये टीम है, आई थिंक मैं आपको जो दिखा रहा हूँ देखो ये लोग 0-0 करके, हाँ ये जो NWG टीम है इन लोगों ने लास्ट में कितने किल्स करके बुआ किया था वो आप लोग देखना। एंड गाइस बस यही लोग खेल रहे थे, बस यही एक टीम थी NWG जो कि खेल रही थी, और लिटरली ये लोग बैक टू बैक कितने बुआ निकाले वो भी आप लोगों को देख लेना। बट भाई पूरी बॉट लॉबी एक कस्टम में, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो बॉट प्लेयर्स होते हैं वो कुछ यहाँ पे, मतलब मान लो यहाँ पे 10 स्क्वाड था तो 5 स्क्वाड बॉट आ गई थी, 4 स्क्वाड यहाँ पे जो मतलब नॉर्मल बंदे होते हैं जो बिल्कुल बॉट से ऊपर लेवल के होते हैं, जो एवरेज प्लेयर्स जिन्होंने बिल्कुल गेम खेलना शुरू किया है वैसे प्लेयर्स थे, और इन लोगों की जो स्क्वाड थी वो काफी बढ़िया थी। और तब भी ये लोग भाई, ये जो PXL मीरा है ये लड़की है, मतलब फीमेल है, और ये पता है बंदे को कैसे मार रही थी, जब रियल बंदा है उन लोगों को जाके टीमिंग करके मार रही थी, हद ही होता है भाई। और साथ ही ये लोग जब क्वालिफाई करके यहाँ पे जब वर्ल्ड सीरीज के लिए क्वालिफाई किए सिंगापुर की तरफ से, फिर उनका जो ऑफिशियल टूर्नामेंट में क्या हाल हुआ, वर्ल्ड सीरीज के नॉकआउट मैच में इस टीम का क्या हाल हुआ था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट आप लोग देखो यहाँ पे अभी के टाइम पे इन लोगों ने 11 किल किया है, और ये देखो बाकी पूरी लॉबी 0 किल करके बैठी है। ये देखो हमारे बंदे यहाँ पे 0-0 किल करके बैठे हुए हैं, 10 मिनट यहाँ पे 10 मिनट से ऊपर हो चुका है। चलो मैं आपको थोड़ा सा आगे करके दिखा देता हूँ। एंड ये PXL वाले जो स्क्वाड ये देखो गाला टॉप फोर में यहाँ पे ये लोग आ चुके हैं, 9 किल्स हो चुके हैं एंड सबका 0 किल है। किसी को गेम खेलना आता ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे कनेक्ट कहाँ से बॉट बंदे आ गए। और ये देखो इन लोगों ने 27 किल्स कर लिया है, एंड ये लोग अभी देख रहे 31 किल्स के साथ, जब रिवाइवल नहीं था तब यहाँ पे 31 किल्स के साथ यहाँ पे बुआ निकालेंगे ये लोग। ये देखो 31 किल्स हो चुके हैं एंड इन लोगों का बुआ भी हो जाएगा थोड़ी देर में। ये क्या है बे, अच्छा यहाँ पे तो 4-5 बंदे चल आई गए, तो ये लोग उसको मार दिए एंड 31 किल्स के साथ इन लोगों ने यहाँ पे बुआ कर लिया है। एंड भाई अब तुम लोगों को मैं दिखाता हूँ कि इन लोगों का जो किल्स था और बाकी इनके जो अपोनेंट्स थे उन लोगों का किल कितना था। ये लोग यहाँ पे 31 किल्स के साथ यहाँ पे बुआ कर चुके हैं, एंड मैं आपको यहाँ पे 32 किल्स के साथ यहाँ पे बुआ कर चुके हैं। एंड जो सेकंड नंबर पे टीम आई है उन लोगों ने 2 किल किया है, और जो थर्ड पे टीम आई है जो थर्ड पोजिशन पे आई है उन लोगों ने 0 किल किया है। इन लोगों को सर्वाइवल पॉइंट मिला होगा, इन लोगों ने 0 किल किया। ये देखो ये ऑफिशियल टूर्नामेंट जिसमें भाई यहाँ पे, एंड ये गाइस ये देखिए हमारा सच्चाई ऑफिशियल टूर्नामेंट का, यहाँ पे 2 किल 0 किल 0 किल 0 किल, थर्ड पे जो है 0 किल, फोर्थ पे 0 किल, सब भाई पूरी बॉट लॉबी आ गई है। मतलब यार यहाँ इंडिया में टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे, और जहाँ टूर्नामेंट्स हो रहे थे वहाँ भाई मजाक मजाक में कोई भी यहाँ पे टीम यहाँ पे एंट्री कर ले रही है। यहाँ पे चलिए अब सेकंड मैच की तरफ बढ़ते हैं जो कि परगेटरी मैप पे खेला जा रहा था, और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि किस लेवल का हमारी जो टीम से वो खेल रही थी। आप लोग यहाँ पे देख लो ये जो NWG की टीम है इसका नाम है यहाँ पे न्यू गैंग, ठीक है। तो इन लोगों ने अभी 9 किल्स किया है, इन लोगों ने भाई अभी थोड़ा कम ही किल्स किया। चलिए अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं बाकी की जो टीम है अभी इसको मार किसने दिया। हाँ मैं बोला ना कि 1-2 स्क्वाड जो थी वो थोड़ी बड़ी रियल थी, बाकी भाई एकदम मतलब टीम का इतिहास देखो आप लोग। ये व्हाइटनेस नाम के प्लेयर जो कि 1 किल करके है, बाकी पूरी टीम मर चुकी है 0-0 किल के साथ। तो भाई यहाँ पे ये तो हैंस प्रूफ होता। अब बॉट क्यों आए ये भी मैं आपको बताऊंगा, बॉट यहाँ पे कैसे आ गए ऑफिशियल टूर्नामेंट में। ये ग्लिच तो था लेकिन ये ग्लिच हुआ कैसे, क्यों, रीजन क्या था इसके पीछे। ये लोग 31 किल्स कर चुके हैं एंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं बाकी। ये देखो IT नाम की टीम यहाँ पे 1 किल करके बैठी हुई है,
सबने मिलकर हग दिया है, मतलब एक टीम के अलावा कोई टीम यहाँ पे बुया करी नहीं रही थी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स देखे थे जिसमें कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि फैक्ट भाई मुझे अर्निंग का कोई सोर्स बताओ, मैं स्कूल कॉलेज में हूँ या जॉब कर रहा हूँ और मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है। मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च करा और मुझे पता चला मार्केट में आए एक नए इंडियन गेमिंग स्टार्टअप के बारे में जो MGA और ITEC लैब्स जैसे ट्रस्टेड सोर्सेज से वेरीफाइड है और साथ ही इसमें पैसा कमाना भी बहुत आसान है। बस साइन अप करो और वेरिफिकेशन होते ही आपको मिल जाएंगे 500 rupees एज अ बोनस। अब देखो इसमें एक गेम है क्रैश और मैंने अपने बोनस में मिले 500 rupees को मैंने क्रैश में लगाए और 2x पे कैश आउट कर लिया और ये देखो मैंने पूरे जीत लिए 1000 rupees। एंड अभी मैजिक देखो, ये 1000 rupees मैंने वापस से लगाए और जीत लिए 2000 rupees। अब इस विनिंग अमाउंट को विड्रॉ करने जाऊंगा और ये पैसे आ गए मेरे अकाउंट में इंस्टेंटली। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने बोनस में मिले 500 rupees को मैंने 2000 करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लिया एंड वो भी तब जब मैंने इसमें बस 5 मिनट स्पेंड किए। आप भी दिन का इसमें बस आधा घंटा देकर इजिली 5 to 10 के अर्न कर सकते हो और ये ऑफर बस कुछ दिनों के लिए है। तो अभी से लग जाओ और अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट करो एंड मेरा प्रोमो कोड फैक्ट्स यूज करो 500 rupees तक का बोनस पाने के लिए और अपने जीतने के चांसेस को और बढ़ाने के लिए। तो इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी, फटाफट जाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ। चलो मैं आपको यहाँ पे किल्स दिखा देता हूँ। ये देखो सब जीरो किल, यहाँ पे कुछ एक टीम ने 2 kills किया है। देखो ये मतलब थोड़ा मोड़ा रियल वाले थे, फिर एक टीम ने 1 kill किया। अरे बॉट मार दिए होंगे, बॉट ने बॉट को मार दिया, यही होगा। बाकी ये देखो सब फेक, पूरी बॉट लॉबी। सॉरी इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ। चलो अब थर्ड मैच की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड मैच जो कि परगेटरी में यहाँ पे खेला गया था, ये लोग भाई बैक टू बैक यहाँ पे 5 बुया निकाले थे। ये देखो ये भाई ऐसे प्लेयर्स खेलेंगे क्या, मतलब ऑफिशियल टूर्नामेंट में NWG की टीम है वो आराम से भाई होल्ड करके। बट मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला मैच यहाँ पे NWG बुया नहीं निकालने वाली है। देखते हैं चलो आगे बढ़ के क्या होता है इस टूर्नामेंट में, मतलब इस मैच में क्या होता है। सभी टीमें अपने आप में कैंप करती हुई एंड भाई ये बुया किसे निकाल लिया। अच्छा 1T, आई थिंक 1T निकाला। हाँ मतलब 5 में से पता नहीं अब वो लोग कैसे मर गए, इन लोगों ने ही मारा होगा। चलो ये एक रियल स्क्वाड थी, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि सब बॉट स्क्वाड नहीं थी, 2-3 यहाँ पे रियल वाली भी थी जो कि मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर खेल रही थी। बाकी सब बॉट प्लेयर से, इन लोगों ने किल कितना किया है भाई। अरे यार इस मतलब इस वाले मैच में क्या हो गया, मतलब वो वाली टीम जो थी NGK क्या NWG वो यार कनेक्ट नहीं कर पाई क्या, उनसे कनेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि तो ये 7 kill 3 kill 3 kill ये पर एक कालहारी मैप में 4 matches करवा दिए। आई थिंक लगता है ये रीमैच था क्योंकि उसमें ये जो PXL NWG वाली स्क्वाड इन लोगों ने कनेक्ट नहीं किया था, तो कालहारी मैप को वहाँ पे वापस से इसका मतलब रीमैच करवाया गया। और ये देखो ये है हमारे ई स्पोर्ट प्लेयर्स जो कि यहाँ पे सो के मस्त कैंपिंग कर रहे हैं। सामने है 4 बंदे, बढ़िया लोग इसको स्पॉट कर लेंगे एंड बुया निकाल लेंगे। ये लोगों ने टोटल यहाँ पे 8, 4, 12, 5, 17, 5, 22 किल्स के साथ यहाँ पे बुया निकाला है। बाकी ये देखो मजाक कर रही है टीम्स बाकी की एंड भाई मतलब ये वाली टीम को एक 1T को एक बुया मिला लेकिन ये वाली टीम उसमें रिकनेक्ट नहीं कर पाई थी, तो भाई इसको हटा दिया गया, इसका बुया को वापस से रीमैच करवा दिया गया। 3 मैच हो गए, 4th मैच यहाँ पे वापस से पुरगेटरी में खेला जा रहा है। एंड अब मैं आपको एक लास्ट ना एक और हैरानी वाली चीज़ दिखाऊंगा जिसमें आप लोग बोलोगे भाई लिटरली ये मजाक चल रहा है टूर्नामेंट के नाम पे। थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्क्रोल करते हैं, NWG की टीम ने यहाँ पे 11 किल्स कर लिए बट भाई NWG के 3 प्लेयर्स यहाँ पे डेड हो चुके हैं। सामने पूरी स्क्वाड बैठी है बट मार क्यों नहीं रही है इसको। ये देखो ये PS5 जो PG5 मिस्टर फ्रॉस्ट है इसके जस्ट सामने आई थिंक बंदा है। ये देखो भाई 4 बंदे, ये होता है मजाक, पूरी बॉट लॉबी आ गई है, 4 बंदे हैं, कोई इसको मार ही नहीं रहा है। लिटरली 4 बंदों ने इसको 20 का डैमेज दिया है। अब तुम क्या बोलोगे भाई ये बॉट लॉबी नहीं तो क्या है। चलो एक बंदे नेड को किया है, क्या होगा देखते हैं। चलिए एक अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, हर तरफ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा एंड भाई लॉन्डे ने 4 बंदे मार दिए एंड इसी के साथ यहाँ पे आई थिंक इसने बुया नहीं निकाला है, बुया निकाल लेगा थोड़ी देर में। देखते हैं कौन सी टीम है बुया निकालती है, जो मिस्टर वापस से यहाँ पे जो टीम है उन लोगों ने बुया निकाल लिया है, 4th बुया है इनकी तरफ से एंड लेट्स गो। यहाँ पे 5वां बुया देखते हैं गाइस कौन निकालता है। 5वां बुया भी वही निकालेगा भाई, 5th बुया भी ये लोग मतलब वो पेंटा बुया निकाल दिया और वापस वो PG फ्रॉस्ट है वो बचता है अपनी टीम से एंड मुझे लग रहा है कि ये बंदा लास्ट में भी बुया निकाल देगा अपनी टीम से क्योंकि बंदा बढ़िया खेल रहा है। क्योंकि भाई भाई देखो हर एक एवरेज प्लेयर भी अच्छा खेलने लगता है जब सामने बॉट प्लेयर्स आ जाते हैं तो। एंड PG फ्रॉस्ट को देखते हैं क्या होता है, बंदा भाई मारे जा रहा। ओ इस बार दूसरी टीम ने बुया निकाल लिया, इस टीम का नाम क्या नहीं पता, ये तो वही लड़की थी ना जो कैम कर रही थी लेट के। टोटल इन लोगों ने 2 kill के साथ यहाँ बुया निकाला, उन लोगों ने यहाँ पे 18 kills करके बुया नहीं निकाल पाया क्योंकि भाई वो लोग नहीं मार पाए। लास्ट का जो मैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखाने वाला हूँ वो लिटरली आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। चलो इसको अब इसको थोड़ा सा स्क्रोल करते हैं एंड ये देखो लास्ट जो ओवरऑल स्टैंडिंग है हमारा वो ये है,
पहली बात तो हर एक टूर्नामेंट में 12 टीम्स की एंट्री होती है, यहाँ पे 12 टीम्स नहीं 11 टीम्स है, जिसमें ना 11 जो हमारी 11th पोजीशन पे टीम है वो ना इन लोगों ने कुछ पॉइंट किया है, ना किल किया है, ना कुछ किया है। टीम सूज जो है 10th नंबर पे, उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, मतलब 3 टीम्स का तो यहाँ पे गिनती ही नहीं है, 9 टीम्स की गिनती है, जिसमें से भाई अब किल्स देख लेते हैं। तो भाई हमारी जो 9th पोजीशन वाली टीम है उन्होंने 9 किल्स किए हैं, 8 वाली 5 किल्स किए हैं, टीम गाला ने 1 किल्स किए हैं। एंड ये देखो ये है किल्स, 10 किल, 11 किल, 12 किल, 7 किल, ऐसे 9 किल इन लोगों का टोटल है। एंड जो हमारे न्यू गैंग है उन लोगों ने टोटल भाई इन लोगों सबको पेल पाल के यहाँ पे बॉट लॉबी को मार के 118 किल्स किए हैं, 5 बैक टू बैक नहीं 4 बैक टू बैक बुया के साथ, 1 बुया लास्ट वाला उनका मिस हो गया। तो ये था हमारा भाई बहुत ही प्रो लेवल का गेम प्ले। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई जब ये लोग नॉकआउट मैचेस खेलने गए वर्ल्ड सीरीज का, जो यहाँ पे अटैक ऑल अराउंड एचक्यू स्पोर्ट लाउड जब क्वालिफाई होकर यहाँ पे सिंगापुर गई थी, तो भाई उस टाइम इस टीम का जो हाल था वो क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइस ये देखो हमारी जो मोस्ट डेंजरस टीम थी न्यू गैंग, जिन्होंने यहाँ पे 118 किल्स किए हैं, उन लोगों ने भाई लिटरली यहाँ पे जाके हग दिया, 1 किल किया। ये देखो मतलब सही में एक होता है ना हग दिया रे हग दिया, वो वाला मीम यहाँ पे सूट करता है। यहाँ पे ओवरऑल स्टैंडिंग यहाँ पे लाउड ने यहाँ पे टोटल 34 किल्स के एच क्यू स्पोर्ट 37, बाकी ने बढ़िया से किल किए हैं। अटैक ऑल अराउंड अभी तो बहुत डेडली खेलती है, उस टाइम इन लोगों ने हग दिया था। बट मुझे ये बताओ इन इस टीम, ये जो टीम है जिन्होंने यहाँ पे 118 किल्स किया है, सॉरी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, 118 किल्स यहाँ पे किया है जिन्होंने, 230 पॉइंट्स लिए हैं, इस टीम को क्या हो गया भाई 16 पॉइंट के साथ 1 किल। तो ये है भाई रियलिटी कि जो टीम यहाँ पे पूरी बॉट लॉबी आ गए थे, जिसमें भाई उन लोगों ने भाई बिल्कुल भसड़ मचा के मारा था, एंड रियल टूर्नामेंट जब हुआ तो उन्होंने बिल्कुल हक दिया। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टीम जो है पैसे वैसे खिला के आई थी, एंड बाकी सब बॉट लॉबी को मार मार के इन लोगों ने वर्ल्ड सीरीज को क्वालिफाई कर लिया। भाई पैसा से दुनिया में हर चीज़ हो सकता है, इन लोगों ने ये भी साबित कर दिया कि टूर्नामेंट में भी तुम टॉप वन जा सकते हो, कुछ ग्लिच व्लिच का करवा के बॉट लॉबी मंगवा लो टूर्नामेंट में और सबको मारो और क्वालिफाई हो जाओ। बाकी चले गए यही था सबसे बड़ा ग्लिच फ्री फायर स्पोर्ट्स हिस्ट्री का अब तक का। बाकी यही थी वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।